समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। दैनिक जागरण के छायाकार गए समाचार संकलन के लिए। समाचार संकलन करते देख आक्रोशित ग्रामीणों ने पत्रकार के साथ मारपीट की और उसके कैमरे और मोबाइल को भी तोड़ डाला। इन्हीं मुद्दे को लेकर भाकपा माले ने पत्रकार पर हुए हमले की निंदा की और विरोध मार्च निकाला। डी न्यूज के लिए अमरदीप कुमार की रिपोर्ट। कल कर्पूरी ग्राम में फोटो खींच रहे पत्रकार तरुण पर जो छायाकार हैं हमला कर दिया, उनकी हाथ चीर दिया गया, मोबाइल छूर दिया गया, कैमरा उनका फोड़ दिया गया, एफआईआर दर्ज है। पूरे बिहार में लगातार पत्रकार छायाकार पर हमला हो रहा है। जो गरीबों का सवाल उठाते हैं, जो भ्रष्टाचार लूट के खिलाफ लिखते हैं, उन पर हमला हो रहा है। हमलावरों पर निम्न एफआईआर दर्ज है। इसके बाद हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए भाकपा माले ने प्रभात रंजन गुप्ता, नथुनी शाह के नेतृत्व में ताजपुर में विरोध मार्च निकाला है, जुलूस निकाला है। जुलूस निकाल करके हम मांग करते हैं कि गरीब का सवाल, लूट का सवाल, माफिया का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, सरकार की नाकामी, प्रशासन की नाकामी दिखाने वाले पत्रकार पर जो हमला हुआ है, इस हमलावरों को जेल में बंद करें। एफआईआर दर्ज है। अगर जेल में बंद नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में भाकपा माले आंदोलन और तेज करेगी। साथ ही प्रेस छायाकार तरुण को न्याय दिलाने तक भाकपा माले मजबूती से आंदोलन चलेगा। इसी सवाल पर हम जुलूस निकाल करके आज ताजपुर में प्रदर्शन करते हुए ये मांग कर रहे हैं कि तरुण के हमलावरों को जेल में बंद किया।